ताइवान और यूक्रेन को लेकर दुनिया के दो सुपर पावर चीन और अमेरिका के बीच जंग जैसे हालात हैं। ताइवान के समर्थन में खड़ा अमेरिका चीन के लिए रुकावट का काम कर रहा है, तो वहीं रूस यूक्रेन युद्ध में रूस को लगातार मदद भेज रहा चीन अमेरिका के लिए मुश्किलें बढ़ा रहा है। देखा जाए तो अमेरिका दोनों तरफ से फंसता दिख रहा है, और अब जो खबर सामने आ रही है वो अमेरिका के लिए मुश्किलें बढ़ा सकती है, क्योंकि चीन के विदेश मंत्री क्विन गांग ने अमेरिका को रूस यूक्रेन युद्ध की तुलना ताइवान से ना करने की सलाह दी है। क्विन गांग ने कहा कि अमेरिका तथा उसके सहयोगियों को रूस की यूक्रेन पर सैन्य कार्रवाई की तुलना ताइवान पर चीन के दावे से करना बंद कर देना चाहिए। इसके साथ ही गांग ने कहा कि यूक्रेन युद्ध नियंत्रण से बाहर हो सकता है और इसे लेकर चीन बेहद चिंतित है। एक साल में यूक्रेन संकट चौतरफा तरीके से बढ़ा है और स्थिति ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित किया है। बता दें, चीनी विदेश मंत्री इतने पर ही नहीं रुके। वांग ने इशारों में अमेरिका और संबंधित देशों से आग्रह करते हुए कहा कि वो आग में घी डालना तत्काल बंद करें, चीन को दोष देना बंद करें और यूक्रेन आज कल ताइवान जैसे संदर्भों का उपयोग करके स्थिति को भड़काना बंद करें। बता दें, चीन शुरू से ही ताइवान को अपना हिस्सा बताता रहा है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पिछले साल हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी ताइवान का जिक्र किया था। जिनपिंग ने कहा था कि हम ताइवान में शांति बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन जरूरत पड़ी तो बल प्रयोग से इनकार भी नहीं करेंगे। अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो चीन ने अब तक यूक्रेन पर रूसी हमले की निंदा नहीं की है, बल्कि चीन अंदर ही अंदर रूस की सहायता ही कर रहा है। रूस और चीन की बढ़ती नजदीकियों को देखते हुए अमेरिका ने चीन को चेतावनी दी है कि अगर उसने रूस को सैन्य सहायता प्रदान की तो वह सख्त प्रतिबंध लगाएगा। हालांकि इस पर अभी चीन की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।